नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात बेकाबू कोरोना से देश में बने भयावह हालात की करेंगे। कोरोना की तेज रफ्तार के साथ मौत का आंकड़ा भी हर दिन बढ़ता जा रहा है। मरीजों को अस्पतालों में बेड मिलने में मुश्किल हो रही है। कई राज्यों में ऑक्सीजन की भी भारी कमी है। ऑक्सीजन के लिए मरीजों के परिजन भटकने को मजबूर हैं। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार पहले ही 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के आयात को हरी झंडी दे चुकी है। इसके साथ देखेंगे भोपाल और सूरत से कोरोना की भयावह तस्वीर। देश में कोरोना को लेकर पैदा हुए गंभीर हालात से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना विस्फोट। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को 1338 लोगों की मौत हो गई। ये अब तक का सबसे बड़ा मौत का आंकड़ा है। एक दिन में कल 2,33,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले। तेजी से बढ़ रहे केस की वजह से एक्टिव केसों की संख्या 16.5 लाख से ज्यादा हो गई है। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में 1,22,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना के नए केसों में इजाफा हो रहा है। कल राज्य में 63,700 से ज्यादा नए मामले मिले, जबकि मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 398 तक पहुंच गया। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रभावित पुणे में कल 11,000 केस मिले, जबकि 109 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में कल करीब 9,000 मरीज मिले, जबकि 53 लोगों की जान चली गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज कोरोना से प्रभावित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जबकि सोमवार को वो देश भर के एम्स अस्पतालों के निदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। कल हर्षवर्धन ने दिल्ली के एम्स अस्पताल का दौरा किया था। इस दौरान डॉक्टरों ने स्टाफ और ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाया था। उत्तर प्रदेश में कोरोना की वजह से सबसे गंभीर हालात राजधानी लखनऊ के हैं। कोरोना मरीजों के परिजनों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दुकान दर दुकान धक्के खाने पड़ रहे हैं। लालबाग की सबसे बड़ी सर्जिकल मंडी से ऑक्सीजन सिलेंडर गायब हो गए हैं। 2 से 3 गुना कीमत देने को तैयार लोगों को भी सिलेंडर नहीं मिल रहे। दुकानदारों का कहना है कि मांग ज्यादा और सप्लाई कम है। कोरोना काल के सबसे मुश्किल दौर में अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन नहीं मिलने से परेशान लोग अब मेडिकल इक्विपमेंट के बड़े स्टोर से पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद रहे हैं। दिल्ली में एम्स के पास ऐसे ही एक स्टोर से एमएसएमई कंपनियां भी अपने कर्मचारियों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीद कर रहे हैं। यहां सबसे छोटा सिलेंडर 3,000 का और बड़ा वाला 10,000 का है। महाराष्ट्र में भी कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है। बोरीवली के भगवती अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा है। शिकायत के बाद बीएमसी ने इस पर एक नोडल ऑफिसर की टीम बनाई है, जो कि मुंबई के सभी 24 वार्डों को ऑक्सीजन सप्लाई पर नजर रखेगी। राज्य सरकार पहले ही केंद्र से ऑक्सीजन देने की मांग कर चुकी है। हरिद्वार की कुंभ से एमपी के जबलपुर लौटे नरसिंह मंदिर के प्रमुख महामंडलेश्वर जगत गुरु स्वामी श्याम देवाचार्य की कोरोना से मौत हो गई। 12 मार्च को कुंभ में शाही स्नान के बाद वो जबलपुर लौटे थे। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। उधर कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा के दोबारा संक्रमित होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है। सरकार पर मौत का सही आंकड़ा नहीं देने का आरोप है। भोपाल के भदभदा श्मशान घाट पर सुबह से लेकर रात तक हो रहे अंतिम संस्कार की तस्वीरें कोरोना के कहर का सच बता रही हैं। भोपाल में शुक्रवार को 118 और गुरुवार को 112 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ था। राज्य में कल 11,000 से ज्यादा नए केस मिले। सूरत में लगातार कोरोना के मरीज और इस महामारी के शिकार हो रहे लोगों की संख्या बढ़ रही है। शहर के उमरा स्मशान घाट पर हर 5 मिनट में एक डेड बॉडी आ रही है। यहां कोविड और नॉन कोविड दोनों ही शवों का अंतिम संस्कार किए जाते हैं। परिजनों का कहना है कि अंतिम संस्कार के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है। हर दिन यहां करीब 100 शवों को लाया जा रहा है। क्या देश एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन की ओर जा रहा है? यूपी सरकार ने हर रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में भी संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के मिले संकेत। इस बीच आज किस किस राज्य में लॉकडाउन लगाने के विकल्पों पर विचार के लिए बड़ी बैठक होने वाली है। कोरोना के साइड इफेक्ट से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 लॉकडाउन 2.0। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में 15 मई तक हर रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इसके साथ मास्क नहीं लगाने पर पहली बार में 1,000 और दूसरी बार 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य में कल 27,000 से ज्यादा रिकॉर्ड केस आए हैं, जबकि 103 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में पिछले साल की तरह सख्त संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ये संकेत डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं तो कोई और चारा नहीं बचेगा। राज्य में नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन और अब 1 मई तक मिनी लॉकडाउन लगाए जाने के बाद भी कोरोना के केस कम नहीं हो रहे। बिहार में आज लॉकडाउन लगाने या लॉकडाउन जैसे ही कोई दूसरे विकल्प पर फैसला हो सकता है। कोरोना पर आज राज्यपाल ने सभी दलों की बैठक बुलाई है, जिसमें सभी पार्टियों की राय ली जाएगी। कल सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल बैठक कर हालात की समीक्षा की। रविवार को नीतीश सभी जिलों के डीएम के साथ बैठक करेंगे। बिहार में कल 6,000 से ज्यादा केस मिले।
झारखंड में भी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना पर सभी दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए जाए, इस पर विपक्षी पार्टियों की राय लेगी। हेमंत सोरेन ने कड़े फैसले लेने के संकेत दिए हैं। राज्य में रोजाना करीब 4000 केस आ रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित राजधानी रांची है। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू के दौरान अगर कोई शख्स गैर जरूरी काम के लिए बाहर निकला तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। बीती रात दिल्ली पुलिस सड़कों पर सख्ती से लोगों से पूछताछ करती नजर आई। कल रिकॉर्ड 19,000 से ज्यादा केस मिले, जबकि 141 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में बीती शाम से सोमवार सुबह 5 बजे तक लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू की पहली शाम जयपुर की सड़कों पर पुलिस लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया। हालांकि रमजान का महीना चलने की वजह से कर्फ्यू के बावजूद कुछ लोगों की चहलकदमी दिखी। पुलिस लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को और दुकानदारों को कर्फ्यू को लेकर आगाह करती रही। कोरोना के विकराल रूप और लॉकडाउन के डर से बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। इसी डर की वजह से दिल्ली आनंद विहार और कौशाम्बी बस स्टैंड पर सैकड़ों प्रवासी मजदूरों की भीड़ जुटने लगी है। यूपी उत्तराखंड के अलग अलग शहरों के लिए लौट रहे लोगों का कहना है कि वो लॉकडाउन जैसी आफत दोबारा नहीं झेल पाएंगे, इसलिए वो अपने गाँव जा रहे हैं। लंबे समय के लिए लॉकडाउन लगाए जाने की आशंका से गुजरात के सूरत से प्रवासी मजदूरों का पलायन तेजी से जारी है। सूरत रेलवे स्टेशन पर बिहार, यूपी और एमपी के प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ दिखी। इन लोगों का कहना है कि वो पिछले साल की तरह हजारों किलोमीटर पैदल नहीं चलना चाहते, इसलिए वक्त रहते वो अपने गाँव लौटना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का फैसला किया है। आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता को मई और जून में दोगुना किया जाएगा। जुलाई अगस्त तक इसको बढ़ाकर 6 से 7 गुना किया जाएगा। देश में अब तक 12.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में आज 5वें चरण में 45 सीटों के लिए वोटिंग जारी। किस सीट के आरएसपी प्रत्याशी की कोरोना से हुई मौत और पीएम की आज बंगाल में कहां कहां जनसभाएं हैं, बंगाल चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। पश्चिम बंगाल के 6 जिलों की 45 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। मतदाता शाम 6 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। नॉर्थ 24 परगना की 16, पूर्वी बर्धमान और नदिया की 8-8, दार्जिलिंग की 5, कलिंगपोंग की 1 और जलपाईगुड़ी जिले की 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में 1,13,00,000 से ज्यादा वोटर्स 342 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में हो रहे 5वें चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की 853 कंपनियों को तैनात किया है। चुनाव आयोग ने सभी बूथों को संवेदनशील घोषित कर दिया है। सितलकुची कोली कांड के बाद आयोग ने सुरक्षा और बढ़ा दी है। आज 15,789 बूथों पर मतदान हो रहा है। 5वें चरण में बंगाल के कई प्रमुख चेहरों की साख दांव पर है। आज ममता कैबिनेट के कई मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस पर्णो मित्रा को बीजेपी ने बारा नगर से चुनावी मैदान में उतारा है। पर्णो मित्रा पहली बार चुनावी मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव प्रचार के लिए चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक कैंपेन पर पाबंदी रहेगी। मतदान की तारीख से 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार रोक दिया जाएगा, जबकि पहले 48 घंटे पहले प्रचार रोका जाता था। आयोग ने यह फैसला सर्वदलीय बैठक के बाद लिया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। मुर्शिदाबाद की जंगीपुर सीट से आरएसपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार नंदी की कोविड से मौत हो गई। नंदी बुधवार को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। वहीं हुगली के चुनचुड़ा से उम्मीदवार असित मजूमदार और माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी सीट से बीजेपी प्रत्याशी आनंदमय बर्मन संक्रमित पाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कोविड वॉरियर्स ने पीपीई किट पहनकर लोगों को जागरूक किया। ये जागरूकता अभियान विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के चुनाव से एक दिन पहले चले। उसने लोगों से मास्क पहनने और सैनिटाइजर का उपयोग करने की अपील की। इनमें ज्यादातर ई रिक्शा चालक हैं। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के आसनसोल और गंगारामपुर में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। रैली में लोगों के बैठने के लिए कोविड प्रोटोकॉल के तहत इंतजाम किए गए हैं। आयोग ने चुनावी रैलियों और रोड शो में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। गृहमंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। शाह आज 2 रैलियों को संबोधित करके शक्ति प्रदर्शन करेंगे। गृहमंत्री एक टाउन हॉल मीटिंग को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा शाह की पार्टी संगठन के लोगों के साथ एक अहम बैठक होगी, जिसमें चुनाव को लेकर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगी। ममता सुबह 11 बजे कटवा में, दोपहर 12 बजे दक्षिण पूर्व स्थल में और दोपहर 1 बजे गलसी में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। इस दौरान उनके निशाने पर बीजेपी ही रहेगी।
भगोड़े नीरव मोदी को भारत कब तक लाया जाएगा? सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज, और कहां बर्खास्त की गई आतंकियों की तारीफ करने वाली एसपीओ। देश की अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। पीएनबी के हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी भगोड़े नीरव मोदी के भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। सीबीआई के मुताबिक ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। नीरव मोदी वहां की कोर्ट में इस कदम से बचने की जुगत में था। कांग्रेस ने देश के हालात पर चर्चा के लिए आज सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सीडब्ल्यूसी के दूसरे सदस्य शामिल होंगे। मीटिंग के बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत आज जम्मू पहुंच रहे हैं। यहां वो करीब 4 घंटे रहेंगे और किसानों से मुलाकात कर आंदोलन को तेज करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले टिकैत पश्चिम बंगाल के आसनसोल में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आयोजित महापंचायत और ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए और कहा कि सरकार के न मानने पर विरोध जारी रहेगा। देश में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच आईसीएसई बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं टाल दी हैं। परीक्षा की नई तारीखों को लेकर अब जून में फैसला होगा। परीक्षा को लेकर आईसीएसई बोर्ड ने कहा है कि 12वीं की परीक्षाएं बाद में कराई जाएंगी, जबकि 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए परीक्षाएं वैकल्पिक होंगी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पुलिस की वैन खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में वैन में सवार 7 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा मंगलपुर इलाके में हुआ। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। पंजाब पुलिस ने मध्य प्रदेश में चल रहे एक बड़े अवैध हथियार निर्माण और तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों के पास से 30 अवैध पिस्टल बरामद की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस में आतंकियों की तारीफ करने वाली आरोपी महिला एसपीओ को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। आरोपी महिला एसपीओ को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरोपी दक्षिण कश्मीर में फ्रिसल कुल गांव की रहने वाली है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। भारत और किर्गिस्तान की स्पेशल फोर्सेज के बीच शुक्रवार को बिश्केक में सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। यह अभ्यास 2 हफ्ते तक चलेगा। इसमें आतंकवाद विरोधी अभियानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक विशेष बलों के बीच खंजर राम के इस अभ्यास की शुरुआत 2011 में हुई थी। भारतीय सेना के जवानों को नए और आधुनिक हथियारों से लैस किया गया, जिनमें लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सिग 100 असॉल्ट राइफल्स और गैलिल स्नाइपर राइफलें शामिल हैं। पाइका मशीन गनों में घातक हथियारों ने सैनिकों की शक्ति को और मजबूत किया है। कहां शादी की मस्ती में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, कहां घर लौटे प्रवासी मजदूरों के बीच क्वारंटीन किए जाने के डर से मची अफरा तफरी, और मध्य प्रदेश के दमोह में आज हो रहे उपचुनाव से एक दिन पहले किस पार्टी पर लगा पैसे बांटने का आरोप। राज्यों की खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। बिहार की राजधानी पटना में एक बारात के दौरान लोगों ने जमकर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई। लोग शादी की मस्ती में बिना मास्क के सड़क पर झूमते गाते दिखाई दिए। उससे भी ज्यादा लापरवाही ये रही कि प्रशासन ने भी किसी तरह की दखल देने की जरूरत नहीं समझी। पटना में शुक्रवार को ही 1300 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच के दौरान भगदड़ मच गई। बक्सर रेलवे स्टेशन पर पुणे और मुंबई से आने वाले सभी प्रवासी यात्री कोरोना जांच से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। यात्रियों को डर था कि प्रशासन कोरोना जांच कर क्वारंटीन कर देगा। मध्य प्रदेश के दमोह सीट पर आज उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। उपचुनाव से एक दिन पहले कांग्रेस उम्मीदवार अजय टंडन ने बीजेपी पर लोगों के बीच पैसा बांटने का आरोप लगाया है। इसे लेकर हुई मारपीट का विरोध करने के लिए कांग्रेस समर्थकों ने दमोह क्लब हाउस में हंगामा किया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की हार का हताशा करार दिया। बिहार के बेगूसराय में सिमरिया गंगा घाट पर मुंडन संस्कार के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। गंगा स्नान के दौरान डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई। अब तक 3 शवों को बरामद किया गया है, जबकि बाकी 3 की तलाश की जा रही है। शुक्रवार को मुंडन संस्कार को लेकर हजारों की संख्या में लोग गंगा घाट पहुंचे थे। पंजाब के नवा शहर के कस्बा बंगा में 2 गुटों के बीच किसी बात को लेकर जबरदस्त झड़प और मारपीट हो गई। दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थर खाली बोतलें और लाठियां बरसाई, जिसमें कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी लोगों के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। यूपी में लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने दुबई से लखनऊ पहुंची एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से करीब 4 किलोग्राम सोना बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। अधिकारियों ने बताया कि विमान की जांच के दौरान 33 सोने के बिस्कुट से भरा बॉक्स मिला। सोने को कस्टम विभाग ने जब्त कर लिया है।
झारखंड के जमशेदपुर में पत्नी और बच्चों सहित ट्यूशन टीचर की हत्या कर फरार हुए दीपक कुमार को धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लाइन के पास SDFC बैंक के मैनेजर ने संदिग्ध रूप से किसी के घूमने की सूचना पुलिस को दी, उसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा और पूछताछ कर रही है। इंडियन रेलवे ने बुधवार को आम के ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल ट्रेन की शुरुआत कर दी है। ये ट्रेन दिल्ली से आंध्र प्रदेश के बीच चलाई गई। इंडियन रेलवे ने कोरोना के दौरान जरूरी सामान की आपूर्ति को देखते हुए ये ट्रेन चलाई। इस सीजन की पहली मैंगो स्पेशल ट्रेन ने आंध्र प्रदेश के विजय नगरम से 200 टन आम दिल्ली पहुँचाया। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद लोगों के बीच सेना को लेकर डर खत्म हो, इसके लिए बड़े बदलाव किए गए हैं। अब सेना के काफिले में शामिल झंडे का रंग बदल दिया गया है। पहले झंडे का रंग लाल था, जिसे अब नीले रंग का कर दिया गया है। लोगों को सेना के काफिले का रास्ता छोड़ने के लिए लाठियों के पीटने के बजाय सीटी बजाया जाएगा। T20 लीग में धोनी की टीम को पहली जीत का स्वाद मिला। कैसे? चेन्नई सुपर किंग्स के सामने पंजाब किंग्स ने किया सरेंडर। चेन्नई की जीत का हीरो कौन बना और आज किन दो टीमों के बीच होगा बड़ा मुकाबला? T20 लीग से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 90/20 में। T20 लीग में कल खेले गए एक तरफा मुकाबले में चेन्नई की टीम ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। ये इस सीजन में चेन्नई की पहली जीत है। चेन्नई के सामने जीत के लिए 107 रनों का छोटा लक्ष्य था, जिसे धोनी की टीम ने 16वें ओवर में 4 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। मोइन अली ने 46 रन जोड़े, वहीं फाफ डुप्लेसिस ने नाबाद 36 रन बनाए। पंजाब के खिलाफ दीपक चाहर ने शानदार गेंदबाजी की। दीपक ने 4 ओवर में 13 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने क्रिस गेल, मयंक अग्रवाल, दीपक हुडा और निकोलस पूरन को पवेलियन की राह दिखाई। ये T20 लीग में दीपक चाहर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। दीपक को मैन ऑफ द मैच चुना गया। पंजाब के खिलाफ जीत के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स ने पॉइंट्स टेबल में बड़ी छलांग लगाई। धोनी की टीम अब टैली में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है, वहीं बैंगलोर की टीम 2 जीत के साथ नंबर 1 पर काबिज है। वहीं चेन्नई के बाद मुंबई तीसरे नंबर पर फिस हो गई। चौथे नंबर पर दिल्ली की टीम है। चेन्नई के खिलाफ पंजाब की बल्लेबाजी बुरी तरह से फेल साबित हुई। एक वक्त महज 25 के स्कोर पर पंजाब किंग्स के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। तीसरे ओवर में कप्तान KL राहुल के रन आउट होने के बाद बिखर गई पंजाब की टीम। 20 ओवर में 8 विकेट पर 106 रन ही बना सकी। ये इस सीजन में किसी टीम का सबसे कम स्कोर है। पंजाब की ओर से शाहरुख खान ने 47 रन की पारी खेली। छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए शाहरुख ने 36 गेंद पर 47 रन बनाए। अपनी पारी में 4 चौके और 2 छक्के लगाए। शाहरुख खान को पंजाब किंग्स ने ऑक्शन में 5,25,00,000 रुपए में खरीदा है। हार के बाद पंजाब के बल्लेबाजों पर फूटा KL राहुल का गुस्सा। राहुल ने कहा कि बल्लेबाज खराब शॉट खेलकर आउट हुए। शुरुआती 6 ओवर में विकेट गंवाना महंगा पड़ा। कम से कम 150 रन का स्कोर होना जरूरी था। राहुल ने माना पंजाब के बल्लेबाज दीपक चाहर के नक्कल गेंदों को समझ नहीं पाए। T20 लीग में आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। चेन्नई में शाम 7:30 बजे से मैच शुरू होगा। आंकड़ों के हिसाब से दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर है। अब तक खेले गए 16 मुकाबलों में दोनों ही टीमों ने 8-8 मैच अपने नाम किए हैं। इस सीजन में हैदराबाद को पहली जीत का इंतजार है। पिछले 2 मुकाबलों में डेविड वार्नर की टीम सनराइजर्स हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा। पहले मैच में कोलकाता और दूसरे मैच में बैंगलोर ने हराया। वहीं मुंबई की टीम ने 2 में से 1 मैच अपने नाम किया है। पिछले मुकाबले में मुंबई ने कोलकाता को 10 रन से हराया था। T20 लीग में 8 मैच खत्म होने के बाद भी ऑरेंज कैप पर KKR के नीतीश राणा का कब्जा बरकरार है। नीतीश ने 2 मैच में कुल 137 रन जोड़े हैं। दूसरे नंबर पर राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन हैं। वहीं पर्पल कैप पर बैंगलोर के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने पकड़ बनाई हुई है। उनके नाम 2 मैच में 7 विकेट हैं। और फिलहाल न्यूज़ टॉप 9 में इतना ही। अभी रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, फौरन लौटेंगे।